राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो बड़ों के साथ साथ बच्चों का बाहर जाना भी बंद हो गया, लेकिन अब खतरा कम हुआ तो लोग बाहर निकलने लगे हैं। हालांकि तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों को अभी बाहर ले जाने से लोग बच रहे हैं। ऐसे में खिलौने बच्चों के लिए पहले की तुलना में ज्यादा जरूरी हो गए हैं, या यूं कहें कि बच्चों का असली साथी खिलौना ही बन गया है। शायद यही वजह है कि अब खिलौनों में पहले की तरह सिर्फ गुड्डे गुड़िया नहीं बल्कि अलग अलग वैरायटी आ रही है। अलग अलग तरह के प्लास्टिक के खिलौने भी देखने को मिल रहे हैं, जिसे लाकर पेरेंट्स अपने बच्चों को तो दे रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके बच्चों के लिए खिलौने वाला प्यार हानिकारक साबित हो सकता है? नहीं तो आपको इससे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिसर्च में इन खिलौनों को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। दरअसल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक खिलौनों में पाए गए 419 केमिकल्स में से 126 केमिकल जानलेवा हैं। हालांकि सभी खिलौनों में ये खतरा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की चिंता उन खिलौनों को लेकर है जिनमें क्लोरीनेट ब्रोमाइड या फॉस्फोरस होता है। पूरे साल में एक बच्चा औसतन 18 किलो से ज्यादा प्लास्टिक के खिलौने जमा करता है। वैज्ञानिक इन खिलौनों को लेकर इसलिए भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इससे आपका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। जी हाँ, खिलौनों से आपके बच्चे को गंभीर बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि खिलौने में मिले केमिकल से कैंसर, हार्मोन, डिसरप्टिव स्किन की बीमारी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में ये भी सामने आया कि इससे बच्चों के व्यवहार में बदलाव भी आ सकता है और उनके IQ लेवल पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बच्चों को इन केमिकल से कैसे बचाया जाए। तो बच्चों को इन हानिकारक केमिकल से बचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि या तो आप प्लास्टिक के खिलौने खरीदना बंद कर दें या फिर बिल्कुल कम कर दें। हाल ही में हुई एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि जिन बच्चों के पास कम खिलौने थे उनमें फोकस यानी ध्यान लगाने की क्षमता और क्रिएटिविटी ज्यादा थी, जबकि जिनके पास ज्यादा खिलौने थे उनमें काफी कम क्षमता पाई गई थी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने 2019 में कुछ टेस्ट किए थे। ये टेस्ट उन्होंने कुछ इम्पोर्टेड खिलौनों का किया था, जिसमें से 66.90% खिलौने फेल हो गए। लैब में भेजे गए 121 अलग अलग तरह के खिलौनों में से केवल 33.1% खिलौने ही इस टेस्ट में पास हुए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनमें से 30% प्लास्टिक के खिलौने सुरक्षा नियमों पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में आपको अंदाजा हो गया होगा कि बच्चे की खुशी के लिए खरीदा जाने वाला खिलौना उसके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।